मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इमारत की 20वीं मंजिल से एक महिला को एक सुरक्षा गार्ड ने धक्का दे दिया है। ये महिला 18वीं मंजिल पर लगे पतरे की सेट पर जाकर अटक गई और इस महिला की जान भले ही बच गई है, लेकिन 20वीं मंजिल से इस महिला को धक्का दिया गया था। आपको बता दें कि मुंबई के मलाड वेस्ट ब्लू होरिजोन टावर का ये पूरा मामला है, जहाँ घरों में काम करने वाली एक महिला को 35 साल के एक सुरक्षा गार्ड अर्जुन सिंह ने 20वीं मंजिल से धक्का दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे सया मार सके ना कोई, ये कहावत बिल्कुल सच हुई और ये महिला जाकर 18वीं मंजिल के जो पतरे का सेट लगा था उस पर जाकर फंस गई। इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग आपत्ति व्यवस्थापन को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने ग्रिल को काट कर इस महिला को रेस्क्यू करके बचा लिया है। हालांकि महिला ने ये जानकारी दी है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर सुरक्षा गार्ड ने उसे धक्का क्यों दिया है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया है। दूसरी खबर भी मलाड इलाके से है, जहां एक महिला ने चूहे की दवा टमाटर में लगाकर रखा था चूहे मारने के लिए, मगर इसी दौरान ये महिला टीवी देखने लगी और उसी टमाटर को मैगी में डालकर खा लिया। महिला की मौत हो गई है। महिला का नाम रेखा देवी 35 वर्षीय है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को रेखा देवी घर में अकेली थी और इनके पति काम पर गए हुए थे। इसी दौरान चूहे मारने के लिए इन्होंने टमाटर पर जहर लगाया और टीवी देखने के दौरान उसी टमाटर की मैगी बना डाली और मैगी बनाकर इन्होंने खा लिया, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कई दिनों तक इस महिला का इलाज यहां पर किया गया, लेकिन आखिरकार इस महिला की मौत हो गई है। इस महिला ने मौत से पहले ही पुलिस को अपने दिए बयान में ये सारी बातें बताई थी।